दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अब जान लेते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है वो क्या निकल कर आ रही है। तो पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पीएम मोदी से भी तगड़ा निकला ये नेता, 72 घंटे में 3 बड़े फैसले लेकर बदल दी बिहार चुनाव की हवा। जी हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच अपने राजनीतिक समीकरण को बनाने में लगे हुए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने पिछले 72 घंटे में विधानसभा के अंदर 3 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनमें राज्य में एनआरसी न कराने और एनपीआर को 2010 के स्वरूप पर कराने का प्रस्ताव पास करने और जाति आधारित जनगणना का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराना शामिल है। और माना जा रहा है कि नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक से उन्हें चुनाव जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। और उधर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी इन्हीं तीनों एजेंडों के सहारे बिहार में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी थी, जिसे नीतीश कुमार ने अलमीजामा पहनाकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के साथ ही ये भी संदेश दिया है कि वो बिहार की राजनीति के केंद्र हैं। और इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार के धुर विरोधी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के भी सुर बदल गए हैं और अब वो नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बेहतर सीएम बता रहे हैं। और अब बता दें कि बिहार सरकार अब आपको करेगी मालामाल, बस कीजिए ये छोटा सा काम मिलेंगे 50,000। जी हम बात करें, बिहार सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक अनोखी पहल की है। अब भ्रष्टाचारी को पकड़वाने में मदद करने वाले व्यक्ति को सरकार इनाम देगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और प्रस्ताव के मुताबिक जो भी व्यक्ति किसी भ्रष्टाचारी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे बिहार सरकार 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का इनाम देगी। और इसी कड़ी में बिहार सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जो व्यक्ति घूसखोर को पकड़वाने में मदद करेगा उसके बारे में जानकारी गोपनीयता रखी जाएगी। बिहार कैबिनेट के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि मानो बिहार में भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने को लेकर राज्य सरकार कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। और अब अगली खबर में बता दें कि अब नहीं बचेगा कन्हैया कुमार, रैली में लगवाएं मोदी मुर्दाबाद और इस्लाम परस्ती नारे। जी हम बात कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार की संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ रैली में मोदी मुर्दाबाद और इस्लाम परस्ती नारे लगाए जाने की खबर सामने आई है। दरअसल कन्हैया ने गुरुवार को पटना में ये बड़ी रैली की थी और पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान में आयोजित इस रैली में तमाम सामाजिक हस्तियों के बीच कन्हैया कुमार के मंच पर पीएम मोदी के खिलाफ जमकर भाषण कराए गए। और इतना ही नहीं बल्कि कन्हैया कुमार ने मंच पर ऐसे बच्चे को उतार दिया जिसने पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। कन्हैया ने इस बच्चे का विरोध भी नहीं किया बल्कि बाद में समर्थन के लिए उसे गोद में उठाकर जनता का अभिवादन किया। रैली में मंच पर खड़े इस बच्चे ने भीड़ के बीच आजादी के नारे लगाते हुए कई बातें कही। इस दौरान इस बच्चे ने ये भी कहा कि अगर भारत में ताजमहल और लाल किला ना होता तो क्या पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति को गाय या गोबर दिखाते। मंच पर खड़ा बच्चा किसी कट्टरपंथी सभा की तरह नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्से के शब्द बोलता रहा और कन्हैया समेत तमाम मंचासीन अतिथि उसे सुनते रहे। और इतना ही नहीं बल्कि इस बच्चे से आजादी के नारे भी लगवाए और बाद में मंच पर भाषण देने के बाद वापस जा रहे इस बच्चे को कन्हैया ने गोद में उठा लिया और फिर जनता के बीच उससे अभिवादन भी कराया। और अब बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर पूर्व कप्तान कपिल देव ने कही ऐसी बात, चाहने वालों के उड़ जाएंगे होश। जी हां बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के करियर पर बयान देते हुए कहा कि धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर के अपने अंतिम दौर में है। 38 वर्षीय धोनी पिछले साल इंग्लैंड में हुए ICC विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद से ही टीम से बाहर है और उन्होंने अभी तक मैदान पर नहीं की है। धोनी इंडियन प्रीमियर लीग IPL में चेन्नई के लिए खेलेंगे जिसके लिए वे मार्च के शुरुआत से तैयारी करेंगे। हालांकि कपिल ने कहा कि IPL भविष्य के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए है और इसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। कपिल ने एक इवेंट में कहा कि मुझे लगता है कि वे अपने करियर के आखिरी दौर में हैं, मैं उनका प्रशंसक हूं और इसके नाते मैं उन्हें IPL में खेलते देखना पसंद करूंगा, लेकिन इसके साथ ही मेरी नजर युवा खिलाड़ियों पर भी होगी।
उन्होंने कहा कि धोनी के प्रशंसक चाहते हैं कि वह उन्हें T20 विश्व कप में खेलता हुआ देखें, लेकिन एक क्रिकेटर होने के नाते मुझे लगता है कि ये टीम प्रबंधन पर निर्भर करता है। टीम में चयन के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई अलग चयन प्रक्रिया नहीं है। कपिल ने कहा कि ये सिर्फ धोनी नहीं जो IPL खेल रहे हैं, मैं IPL में युवा खिलाड़ियों का खेल देखना पसंद करता हूँ जो भविष्य की टीम का हिस्सा होंगे। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि इस बार पार हो जाएगी तापमान की हदें, चौंकाने वाली है मौसम विभाग की रिपोर्ट। जी आपको बता दें, मौसम विभाग ने मार्च से मई के दौरान तापमान संबंधी अपना अनुमान जारी किया है और विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान व अरुणाचल प्रदेश में अगले 3 महीनों तापमान सामान्य से 1 डिग्री या उससे अधिक रहेगा और पूरी गर्मियों के दौरान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात में तापमान 0.5 डिग्री से 1 डिग्री के बीच ज्यादा रहेगा। और अब अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दें जो कि महाराष्ट्र से आ रही है कि बड़ा ऐलान, भारत में छुपे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की सूचना देने वालों को मिलेगा नगद इनाम। जी हम बात कर रहे हैं कि भारत में छुपे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की सूचना देने वालों को नगद इनाम देने की घोषणा की गई है और ये घोषणा महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने औरंगाबाद जिले में पोस्टर लगाने के साथ ही ये ऐलान किया है कि अगर कोई भी शख्स शहर में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की पहचान पार्टी को बताता है तो उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष सतनाम सिंह गुलाटी ने गुरुवार को जिले में बने अपने ऑफिस के बाहर इन पोस्टरों को लगवाया है और MNS का ये ऑफिस औरंगाबाद में पार्टी की गतिविधियों का आधिकारिक केंद्र होगा जिसका उद्घाटन गुरुवार को ही किया गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि बिहार में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले CM का क्या नाम था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बंपर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि गुजरात में BJP को 3री सीट बचाने में छूट रहे पसीने, 8 वोटों की जुगाड़ में जुटा पार्टी नेतृत्व। जी हम बात करें, गुजरात से 9 अप्रैल को रिक्त हो रही राजस्थान की 4 सीटों के लिए चुनाव आगामी 26 मार्च को कराए जाने की घोषणा हो चुकी है और गुजरात विधानसभा के वर्तमान संख्या बल के अनुसार भाजपा की 1 सीट कम हो सकती है, जिसे बचाने के लिए 8 मतों की जुगाड़ में पार्टी नेतृत्व जुट गया है और गुजरात से रिक्त हो रही 4 सीटों में से 3 सीटें भाजपा के पास हैं जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और चुनाव बाद राज्यसभा में गुजरात के 11 सदस्यों की संख्या में भाजपा का आंकड़ा घटकर 6 और कांग्रेस का बढ़कर 5 हो जाने की संभावना है और 3री सीट को बरकरार रखने के लिए भाजपा ने 8 अतिरिक्त मतों के लिए रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है और रिक्त सीटों पर भाजपा के शंभू प्रसाद टुंडिया, चुन्नी भाई गोहिल, वेरावल लाल सिंह भड़ोदिया तथा कांग्रेस से मधुसूदन मिस्त्री आगामी 9 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिलाते हैं कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने का फैसला, विधानसभा में जल्द आएगा बिल। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाघाड़ी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उद्धव सरकार स्कूल कॉलेजों में मुस्लिमों को आरक्षण देने का कानून लाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जल्द ही मुस्लिमों को स्कूल कॉलेज में 5% आरक्षण देने वाला बिल लाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये बिल विधानसभा के वर्तमान सत्र में पारित हो जाएगा और नवाब मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट इसको लेकर पहले ही आदेश दे चुका है लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए हमने ऐलान किया है कि अगर हम जल्द ही मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने के संबंध में कानून लाकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। और अब बता दें कि कांग्रेस का सवाल, क्या कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, चिन्मय आनंद और संगीत सोम के विरुद्ध FIR हुई है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर अदालत के जवाब मांगने को लेकर शुक्रवार को भाजपा पर निशाना साधा और सवाल किया कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर एवं प्रवेश वर्मा सरीखे भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई है।
है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से नोटिस आने पर कांग्रेस की तरफ से व्यापक और माकूल जवाब दिया जाएगा। सिंघवी ने कहा कि दुनिया भर के लोगों के विरुद्ध FIR हो रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के विरुद्ध भी हो रही है। क्या कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, चिन्मयानंद और संगीत सोम के विरुद्ध हुई है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के इन नेताओं के वक्तव्य जरूर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कथित वक्तव्यों से कहीं ज्यादा घिनौने रहे होंगे। हमारे तीनों नेताओं ने आखिर क्या बयान दिए? दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। और अगली एक और खबर में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा से आई तेज प्रताप और तेजस्वी की खूबसूरत तस्वीर। छोटे भाई को ढोसा खिलाते दिखे तेज प्रताप। जी हम बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे और RJD नेता तेज प्रताप अपने अनोखे अंदाज के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप का आज छोटे भाई तेजस्वी के साथ एक खूबसूरत तस्वीर आया है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। आपको बता दें RJD नेता तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की बिहार विधानसभा में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। विधानसभा के कैंटीन में बड़े भाई तेज प्रताप छोटे भाई तेजस्वी को अपने हाथों से ढोसा खिलाते दिखे और इस दौरान बड़े भाई तेज प्रताप ने अपने हाथों से छोटे भाई तेजस्वी जिन्हें वो अपना अर्जुन भी कहा। मौके पर मौजूद अन्य विधायकों ने भी इस दौरान मसाला डोसा का लुत्फ लिया और दोनों भाइयों के प्यार को देख मुस्कुराते नजर आए। अब अगली खबर में आपको बता दें कि आजम से मिलने के बाद बहू बोली, जेल में परिवार को मच्छरों ने किया परेशान। जी हम बात करें कि सीतापुर जेल में सांसद आजम खां से मिलने आई बहू ने जेल प्रशासन कई आरोप लगाए। सांसद आजम खां की बहू ने सीतापुर कारागार के अधिकारियों को आरोपों के घेरे में लिया। बहू साजिया ने कहा कि जेल प्रशासन को उनके सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए, वो शुगर के मरीज है। साजिया ने कहा कि परिवार को रात भर मच्छरों ने परेशान किया, वो सो नहीं पाए। सांसद आजम खां और उनकी पत्नी को जरूर सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई। वहीं जेलर DC मिश्रा का कहना है कि जेल मैनुअल और प्रोटोकॉल का नियमित पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि रामपुर सांसद आजम खां को पत्नी और पुत्र के साथ रामपुर जेल के प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर सीतापुर जेल स्थानांतरित किया गया है। गुरुवार सुबह रामपुर पुलिस ने तीनों को सीतापुर जेल में दाखिल कराया है और सांसद आजम खां और उनके पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम खां जेल की विशेष सुरक्षा बैरिक में रखे गए हैं। पत्नी विधायक तंजीम फातिमा महिला वार्ड में है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर, 1,000 करोड़ की आएगी लागत। ये हम बात कर रहे हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा देने वाले गुजरात में अब दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर भी बनने जा रहा है और शुक्रवार को मंदिर का शिलान्यास भी हो गया है। अब विश्व उमिया फाउंडेशन की ओर से अहमदाबाद के वैष्णो देवी जासपुर के पास पाटीदारों के कुलदेवी माँ उमिया का 431 मीटर ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा जिसका शिलान्यास किया जा चुका है। और मंदिर के शिलान्यास को लेकर अहमदाबाद में पाटीदार समाज की ओर से बाइक और कार लेकर उमिया यात्रा निकाली गई जिसमें मां उमिया के भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।